हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो सीएमए स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, एक बार नहीं दो बार देखिए, ताकि आपको मैटर समझ में आए। क्या आप सीएमए प्रोफेशनल चूज करके गलत कर दिया? बस आज का मेरा टॉपिक यही है। आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि सीएमए मत करो, सीएमए करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सीएमए अपने आप में वास्ट प्रोफेशन है और वास्ट एरिया कवर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। सीएमए प्रोफेशन को हम जैसे लोगों ने बर्बाद किया है, कैसे मैं बताती हूँ। हम जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सीएमए का डेमो आर्टिकलशिप कर लेंगे, बस हो जाएगा। लेकिन रुकिए, यहाँ आप खुद के पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो कि डेमो आर्टिकलशिप की सर्टिफिकेट बनवा के आप सब कुछ सीख जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, आप बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं सीख पाते हो। सीएमए बनने के बाद जब आप इंटरव्यू फेस करने जाते हो तो आपको एज ए प्रोफेशनल देखा जाता है, आपकी नॉलेज चेक किया जाता है एज ए प्रोफेशनल की तरह। लेकिन आप उसमें फेल हो जाते हो, क्योंकि आपने आपका 3 साल की जो ट्रेनिंग पीरियड था उसमें आपने डेमो आर्टिकलशिप ले रखा है, और आप इसी वजह से मजबूती से इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हो। अगर आप रियल में आर्टिकलशिप किए होते, ट्रेनिंग किए होते, तो मजबूती से इंटरव्यू का सामना कर पाते। यही रीज़न है कि सीएमए क्लियर करने के बाद भी आप मैनेज नहीं कर पाते हो, और फिर आप खुद ही बोलते हो कि मैंने सीएमए करके गलती कर दी। तो अपने आप को सुधारिए। तीनों ही डिग्री ए क्लास की डिग्री है, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो और सीएस हो। जिसको पाने के लिए मेहनत और स्मार्टनेस दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आने वाले कुछ सालों में हमारे देश में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाली है, जहाँ पे हम जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सीएमए की रिक्वायरमेंट है। तो बी पॉजिटिव, बेस्ट ऑफ लक। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।